तो हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। तो आज हम आए हुए हैं तो फिर मिलते हैं हम आपको। तो हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है मनीष ब्लॉग में। तो आज हम आए हुए हैं भटारानी। शायद बैकग्राउंड देख के आप लोग में से बहुत लोग समझ गए थे, माँ शारदा मैहर वाली का मंदिर है ये। भंडारा स्थल है, भंडारा स्थल मतलब कभी भी यहाँ भोग प्रसाद कुछ बढ़ता है तो यहाँ पे ही अर्पण किया जाता है। ये यहाँ का एंट्री है गजराज स्वागत करने के लिए विराजमान है। ये आप देख सकते हैं गजराज के ऊपर गणपति जी बैठे। ये यहाँ खिलौनों का पूरा शॉप है, भगवान का है, खाने पीने का है, प्रसाद का है। और बेसिकली खाली सीजन में गाड़ी तो आप ऊपर ला सकते हैं, लेकिन जिस समय पीक सीजन रहेगा आप गाड़ी ऊपर ना लाए तो ज़्यादा बेटर है। यहाँ का वाटरफॉल जिसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। अभी तो बरसात का मौसम ख़त्म हो गया है, फिर भी आप देख सकते हैं कितना सुंदर नज़ारा है। यहाँ सैलानियों का भीड़ हमेशा इसी प्रकार ही रहता है। बहुत से सैलानी आते हैं, घूमने भी आते हैं, कुछ नहाने आते हैं और माता रानी के दर्शन के लिए। तो चलिए आपको भी लेके चलता हूँ माता रानी के दर्शन के लिए। माता बहनों के स्नान के पश्चात ये कुंड के पास ही उनके लिए स्पेशल चेंजिंग रूम बनाया गया है। तो ये कुंड के पास ही उनके लिए चेंजिंग रूम है एक, जहाँ वो आके चेंज कर सकते हैं। बहुतों को जानकारी नहीं है इसलिए वो कहीं भी पहाड़ के ऊपर खुले में जाके चेंज करते हैं। तो ऐसा बिल्कुल आप मत कीजिए, आपकी ही सुरक्षा के लिए ये चेंजिंग रूम यहाँ पे तैयार किया गया है। दरवाज़ा वरवाज़ा स्पेशल लगा हुआ है तो इस रूम का यूज़ करें। मुख्य द्वार जहाँ से आपको अंदर आना है, यहाँ शिव भगवान का प्रतिमा है। फिर यहाँ से जैसे जैसे आप आगे जाते जाएंगे, ये मोटी आगे आगे बढ़ रही है, ये कुंड है। यहाँ पानी भरता है, अगर मौसम अगर बहुत लंबा टाइम तक सूखा है तो यहाँ पानी फिक्स रहता है। तो ये है श्री हनुमान भगवान जी। तो यहाँ से और आगे बढ़ते जाते हैं, तो जैसे कि देख पा रहे हैं कितना सुंदर। और ये नवरात्रि की यहाँ तैयारी चल रही है, नवरात्रि के समय बहुत भीड़ रहता है। और यहाँ आप देख पा रहे हैं श्री कृष्ण भगवान पर्वत उठाए हुए, और उसी पर्वत से इतना सुंदर नज़ारा, इतना प्यारा नज़ारा, इतना ज़बरदस्त। और ये जस्ट उसी पर्वत के ऊपर माता रानी का दरबार है। तो चलिए आपको भी लेके चलते हैं माता रानी के दरबार। काली माता का दरबार है। तो यहीं से हमको फिर ऊपर जाना है माता रानी के दरबार के लिए। वो है 10 मिनट का रास्ता। तो ये माता रानी का दरबार है। शेर को तो अभी तक असली में देखे नहीं है, बाकी शेर के मुंह के अंदर जा रहे हैं। या पूरा नारियल रखा हुआ। ये माता रानी। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ से निकल रहा है वाटरफॉल, कितना सुंदर। तो कैसा लग रहा है? अरे आपके भाई लोग बीच में दिखे थे, बंदर लोग, नमस्ते नहीं किए? हाँ वो आ
आपके भाई वहाँ पास है, वहाँ अच्छा हाँ ये हाँ, ये शेर लोग हाँ शेर लोग शेर के पीछे जस्ट हाँ, नीचे जस्ट से, नीचे शेर लोग मेरे भाई है ठीक है। भैंसा भैंसा उधर है भैंसा हाँ, वो तो आपका भाई है क्या अभी प्रणाम करके तो आए थे क्या अच्छा जी। तो माता रानी के दरबार से बाहर निकलने के बाद ऊपर एक और है, शायद बहुत से लोग ऊपर जाते हैं बहुत से लोग नहीं जाते, तो चलिए आज आपको मैं लेके चलता ही हूँ मेरे साथ ऊपर माँ लक्ष्मी माँ अन्नपूर्णा भगवान कुबेर मंदिर। तो चलिए चलते हैं। अब तू भाग मिल्खा सॉरी भाग गधी चल भागो इतने में ही थक गई डोंगर करके प्लान के अंदर ले लो। तो ये ऊपर का है माता अन्नपूर्णा का मंदिर, तो चलिए चलते हैं। ये माता अन्नपूर्णा माता लक्ष्मी और कुबेर महाराज, तो ये सबको आप जानते हैं। माता अन्नपूर्णा खान पीने की माता है, लक्ष्मी माता धन के हैं और कुबेर भगवान तो खजानों के हैं। ये ऊपर से आप नज़ारा देख पा रहे हैं नीचे का, ये नीचे जहाँ हम लोग अभी मस्ती मजाक किए थे वो है, और ये साइड में अभी शिव भगवान की मूर्ति नहीं बनी है, पिछले बार हम आए थे तो ये तैयार नहीं था, ये अभी अभी शायद बना है कुछ समय पहले ही। ये जो आप फेंसिंग देख पा रहे हैं इसे इसलिए लगाया गया क्योंकि सेल्फी लेने के चक्कर में एक लड़का नीचे गिर गया था, इसलिए ये पूरा लोहे का फेंसिंग यहाँ लगाया गया। वैसे यहाँ आने का तो बहुत ही सस्ता पड़ेगा, अगर आप कहीं प्लानिंग बना रहे हैं कहीं आना जाना है फैमिली के साथ या पिकनिक स्पॉट अगर कहीं ढूंढ रहे हैं तो आप यहाँ आ सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त जगह है। ये आप दूर दूर तक देख पा रहे होंगे जंगल, मतलब यहाँ है घूमने के लिए बहुत प्यारा प्यारा जगह और बहुत सुंदर जगह है, आपका मन मोह लेगा, एक बार आप ज़रूर विज़िट कीजिए। और जितने लोग आए हैं कमेंट बॉक्स में बिल्कुल हमें बताइए कि आपको यहाँ कैसा लगा आके। मिलते हैं हम आपको क्या? तो फिर मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो अपना प्यार ऐसा ही बनाए रखिए।